आज से पहले मैंने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी कार्स के बीच में फाइट नहीं कराई है। इसको मैंने कल ही खरीदा है। इसका नाम है हाइब्रिड हमर आरसी कार। आज मैं इसकी फाइट करूंगा दो बहुत ही बड़ी साइज की आरसी कार्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ग्रीन बिगफुट आरसी कार, ये है ड्रिफ्ट किंग वर्जन 2 आरसी कार। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी के अनबॉक्स, फिर कराते हैं बड़ी आरसी कार्स के बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। चलो इस फटाफट से इस बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हाइब्रिड हमर कार को मैंने सिर्फ 4000 रुपीस में ही खरीदा है। चलो फटाफट से यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। अगर आप ये हाइब्रिड हमर को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आप लोगों को एक व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पैकेट मिला है, इसके अंदर इसकी बैटरी वगैरह दी गई है। बैटरी बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है, ये है 7.4 वोल्ट 1200 mAh की बैटरी है। अच्छा, तो ये हाइब्रिड हमर के अंदर एक पीछे की तरफ बूस्टर भी दिया गया है, बूस्टर के अंदर वाटर वगैरह डालने के लिए एक छोटा सा कैन भी दिया गया है, बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी दिया गया है। रिमोट दिखा देता हूँ, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, नॉर्मल 2.4 GHz के जिस तरह के रिमोट होते हैं उसी तरह का डिजाइन यहाँ पे दिया गया है, पर कलर कॉम्बिनेशन दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम है। ऊपर की तरफ 2.4 GHz का एंटीना है, यहाँ पर इसका ट्रिगर है, पर ये रिमोट सिंगल हैंड से कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। ओके गाइस, अभी ये हमर के बारे में बात करते हैं। हमर कार पहले से ही बहुत ज्यादा ऊंची होती है, पर देखो यार इसकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ाई गई है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिख रही है। ऊपर का जो कैबिन है ये बहुत ही छोटे साइज का नजर आ रहा है इन व्हील्स के सामने। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है बहुत ज्यादा बड़े साइज का इसके अंदर लगाया गया है। पीछे की तरफ ये देखो, ये रहा इसका बूस्टर, बूस्टर का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है यार। यहाँ पर शायद हम लोगों को वाटर वगैरह डालना पड़ता होगा। इसके अंदर बहुत सारी LED लाइट्स भी दी गई है, बहुत अच्छा पेंट किया गया, यहाँ पे कंप्लीटली ग्लास का यूज किया गया। अंदर की ग्रिल बहुत अच्छे से नजर आ रही है। सामने की तरफ बहुत बड़े साइज का एंटी कोलिजन बम्पर भी दिया गया है। अभी व्हील्स के बारे में बात करते हैं, व्हील्स सच में यार बहुत ज्यादा बड़े साइज के लग रहे हैं। यहाँ पर इसका रिम है, रिम का कलर बॉडी कलर में दिया गया है रेड कलर में, बहुत मस्त दिखाई दे रहे हैं। ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छी है, आज उसको ऑफ रोड में भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। अभी अनबॉक्स करते हैं सेकंड बिगेस्ट कार को, इसका नाम है ड्रिफ्ट क्लाइंबिंग किंग। इस तरह की मेरे पास दो अलग अलग जनरेशन वाली कार है। जनरेशन 1 तो मैंने बहुत दिन पहले अनबॉक्स की थी, आज जनरेशन 2 वाली कार को भी अनबॉक्स करते हैं। इसको भी मैंने खरीदा है 4200 रुपीस में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अमेजोन का, वहां से जाकर आप चाहे तो ड्रिफ्ट किंग आरसी कार को खरीद सकते हो। सबसे पहले इसका रिमोट ही मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट लग रहा है यार। भाई सच बता रहा हूँ, इस तरह का रिमोट मैंने आज तक कोई भी आरसी कार के अंदर नहीं देखा है। यहाँ पर बटन जैसा तो कुछ दिया है, पर ये बटन नहीं है, कुछ काम के लग नहीं रहा है मेरे को। यहाँ पर देखो यार कितने ढेर सारे बटन दिए गए। सेंटर में कार जैसा डिजाइन है, ये भी एक्चुअल में एक बटन ही है। पीछे की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पर हम लोग को दो बैटरी डालनी पड़ती है। और इसके जॉयस्टिक भी देखो यार कितने ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। चलो फटाफट से अभी कार को भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रही हमारी ड्रिफ्ट किंग आरसी कार। वाओ, लुक बहुत ज्यादा अलग है इसका। पीछे की तरफ यहाँ पर एक फ्यूल टैंक, एक बैग भी दिया गया है। चाहे तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं या फिर वापस से यहाँ पे लगा भी सकते हैं। इसके अंदर मिलते हैं मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स, यहाँ पे रेड कलर का एक पैटर्न दिया गया है। इसके अंदर और भी इंडिविजुअल छोटे छोटे व्हील्स भी लगाए गए हैं। ये कार अपनी हाइट ऊपर भी कर सकती है, नीचे भी कर सकती है। सिंपली रिमोट के अंदर एक बटन दबाना होता है। फोर व्हील ड्राइव मेरे को लग रही है। इसका कलर बहुत ज्यादा अलग है यार, ऊपर की तरफ बहुत अलग अलग सा डिजाइन दिया गया है। यहाँ पर इसकी हेडलाइट है और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करती है। यहाँ पर नीचे की तरफ और भी LED लाइट्स दी गई। यहाँ तक सस्पेंशन की बात करूं, देखो गाइस इसके सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्मूथ है। ये कार के साथ मिली है ये यूजर गाइड, ये चार्जर, और ये रही इसकी बैटरी, ये भी 7.4 वोल्ट 1200 mAh की बैटरी दी गई। अभी ये रही हमारी तीसरी वाली बहुत बिग साइज की कार, इसका नाम है क्रेजोन बिगफुट आरसी कार। 1:12 स्केल मॉडल पर ये बनाई गई है। चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये आ गई हमारी बिगफुट आरसी कार। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अलग है यार। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। हाइब्रिड हमर कार के अंदर जिस तरह का रिमोट मिला था, बिल्कुल इसके अंदर भी वही टाइप का रिमोट है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी मेरे को लग रहा है। नीचे की तरफ दो AA बैटरी डालने के लिए कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अंदर भी देखो सेम बैटरी दी गई है। तो भी बात करते हैं इस कार के बारे में। ये कार 2-wheel ड्राइव है या फिर 4-wheel ड्राइव है मेरे को कुछ पता चल नहीं रहा है गाइस, क्योंकि सामने की तरफ भी मोटर लग रही है, पीछे की तरफ भी मोटर दिखाई दे रही है। पे एंजल बोल के लिखा है, और देखो यार ऊपर की तरफ बहुत सारी खोपड़ी वगैरह भी उतारी गई है। ये ऊपर की जो इसकी बॉडी है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, अगर टूटती है तो चेंज भी करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका इंजन है, इसके भी व्हील्स बहुत ज्यादा बिग साइज के है। ऑफ रोड में चलाने में आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। व्हील्स के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप वगैरह भी दी गई है। नीचे की तरफ इसके अंदर कोई भी सस्पेंशन नहीं मिलता है। तो इस तीनों ही आरसी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। आप क्लियरली देख सकते हो हाइब्रिड हमर की हाइट बहुत ज्यादा है, और इसकी लेंथ भी इन दोनों कार्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। पर इन दोनों के व्हील्स बिल्कुल सेम टू सेम साइज के हैं। इन दोनों में से एक
कार सबसे छोटी लग रही है, पर ये इन दोनों से बहुत ज्यादा भारी भरकम है। देखते हैं ये कार इन दोनों को किस तरह से आज कॉम्पिटिशन में हराती है या फिर खुद हार जाती है। चलो भी चलते हैं बाहर फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन सी कार जीतेगी। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले ड्रिफ्ट किंग वर्जन 2 आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। ये बटन दबाने पर कार की हाइट हम लोग ऊपर या फिर नीचे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर और भी फीचर है, ये बटन दबाने पर सिर्फ इसके सामने के व्हील्स काम करते हैं, यानी कि अब ये टू व्हील ड्राइव बन चुकी है। ये बटन दबाने पर ये थोड़ा वर्टिकल और डायगोनल पोजीशन में चलने लगती है। ये बटन दबाने पर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ड्रिफ्ट करने लगती है, इस वजह से इसका नाम भी ड्रिफ्ट किंग दिया गया। ये बटन दबाने पर ये इस तरह से डांस करने लगती है, और एक कमाल की चीज भी देख लो, इसके लाइट्स म्यूजिक के हिसाब से ब्लिंक भी करने लगती है। और नीचे की तरफ बहुत सारी आरजीबी लाइटिंग भी दी गई है, इस वजह से ये म्यूजिक चलाते वक्त कार बहुत ज्यादा कमाल की दिखती है। इसके अंदर एक और बटन है, जैसे कि इसको प्रेस करते हैं तो इसकी वॉल्यूम हम लोग ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। चलो इसको रोड पर प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके दिखा देता हूं। कार बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, पर इसकी कंट्रोलिंग मेरे को थोड़ी सी खराब लगी गाइस। जैसे मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर रहा हूं तो ये कुछ ज्यादा ही टर्न हो रही है, पर इसके अंदर एक चीज बढ़िया है, देखो ये बहुत अच्छे तरीके से स्पिन कर सकती है। अभी टेस्ट करते हैं हाइब्रिड हमर आरसी कार को। कार बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा इजी है, छोटे से एरिया में भी बहुत आसानी से टर्न ले रही है, और इसका ब्रेक भी परफेक्ट तरीके से लग रहा है। अभी ग्रीन बिगफुट को टेस्ट करके देखते हैं। ये कार की स्पीड मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, ब्रेकिंग भी इसकी बहुत परफेक्ट है, कार बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रही है, छोटे से एरिया में भी हम लोग इसको चला सकते हैं बहुत आसानी से। कराते हैं इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। रेस स्टार्ट हो चुकी है, ड्रिफ्ट किंग आगे चल रही थी पर बिगफुट ने इसको बहुत आसानी से टेक ओवर कर लिया है। ड्रिफ्ट किंग फोर व्हील ड्राइव है और ये ग्रीन बिगफुट सिर्फ टू व्हील ड्राइव है, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। क्लियरली रेस को ये जीत चुकी है। अभी देखते हैं ये ग्रीन बिगफुट हाइब्रिड हमर को भी हरा पाती है, यानी हाइब्रिड हमर का बूस्टर भी मैंने ऑन कर दिया, फिर भी ये कार थोड़ा सा पीछे हो गई यार ग्रीन बिगफुट के मुकाबले में। यहाँ पे ये कार पूरी कोशिश कर रही है इसको टक्कर देने के लिए, पर गाइस देखो ग्रीन बिगफुट की स्पीड बहुत ज्यादा है यार। अभी ये दोनों कार्स की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। टक्कर बहुत खतरनाक हुई है दोनों के बीच में, यहाँ पे दोनों कार पूरी पावर लगाकर एक दूसरे को पीछे ढकेलने में लगे हुए। यहाँ पे हाइब्रिड हमर कार थोड़ी सी भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है, देखो ड्रिफ्ट किंग धीरे धीरे करके पीछे जा रही है। यहाँ पर ड्रिफ्ट किंग के अंदर मैंने फुल पावर भी दे रखी है, फिर भी देखो ड्रिफ्ट किंग इसको पीछे नहीं ढकेल पा रही है, और हमर यहाँ पर जीत चुकी है पुश बैक में। अभी इन दोनों कार्स के बीच में टगो फोर कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों कार्स एक दूसरे को खींचने में लगी हुई है, उतने में ही देखो यार हाइब्रिड हमर फोर व्हील ड्राइव होने के कारण इसको अच्छे से ग्रिप मिल चुकी है। यहाँ पर यह बहुत आसानी से खींच के लेके जा रही है ग्रीन बिगफुट को, और ये जीत चुकी है। ये सभी कार्स का भी ड्रिफ्ट टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन बिगफुट को टेस्ट करते हैं, ठीक ठाक तरीके से ड्रिफ्ट करती है पर ज्यादा स्पीड से नहीं कर सकती। अभी सेम टेस्ट करते हैं हाइब्रिड हमर आरसी कार के साथ, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होने के कारण गाइस ये कार भी देखो प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही है। ड्रिफ्ट किंग आरसी कार को भी टेस्ट करके देखते हैं, ये कार ठीक ठाक तरीके से ड्रिफ्ट करती है और स्पिन तो यार बहुत कमाल तरीके से कर सकती है, मेरे को तो चक्कर आ गए गाइस इस कार को देखकर। अभी लाइट टेस्ट करके देखते हैं, हमर की हेडलाइट बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है, उससे भी ज्यादा पावरफुल लाइट्स देखो यार ये ड्रिफ्ट किंग की लग रही है। ग्रीन बिगफुट के अंदर सामने की तरफ कोई भी लाइट्स नहीं दी गई है, पीछे की तरफ हमर के अंदर बहुत कमाल का बूस्टर दिया गया है। मेरे को लाइटिंग जो है ये दोनों कार्स की बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है गाइस। ठीक है, इन कार्स को भी ऑफ रोड में भी टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर है, सबसे पहले ग्रीन बिगफुट को टेस्ट कर रहा हूं मैं, ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों पे नहीं चल पा रही है गाइस, देखो ये इस तरह से फंस रही है। सेम जगह पर मैंने हाइब्रिड हमर को भी चला के देखा है, ये कार बहुत बढ़िया तरीके से चल जाती है, पर इसके सामने भी बड़े पत्थर आने पर ये भी इस तरह से स्ट्रक हो जाती है। इसका बूस्टर भी मैंने डाल के चेक कर लिया। अभी ड्रिफ्ट किंग को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। ये कार के अंदर मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स होने के कारण मिट्टी के अंदर ये व्हील थोड़े से स्लिप होने लगते हैं, इस वजह से ये तीनों ही कार्स ऑफ रोड चलने के मामले में फेल हो चुके हैं। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों कार्स में से कौन सी कार पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है अयान, फैसल, अमित, यश, कबीर, तनिष, आदर्श, सुभाष, केशव, काशिफ। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।